नौजवान की पुरसरार हिलाकत। चौंक इलाके में 23 साल नौजवान की लाश तनूर से मिली। जहां बहक नौजवान की शनाख्त नवीद के नाम से हुई। डीएसपी चौंक के मुताबिक लाश के पोस्टमार्टम के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मालिक ही मुलाजिम का कातिल निकला। जुबली टाउन में शहरी के घर से लाश मिलने का मुहिम हल। पुलिस ने मुलजिम इब्रार को गिरफ्तार कर लिया। रावण के इलाका में 15 साल तालिब इल्म को कत्ल करने वाले मुलजिमान भी गिरफ्तार। पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ सरगर्म। गालिब मार्केट पुलिस ने कार्रवाई करके मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम तनवीर से भारी मकदार में मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पोशेरिया में बच्चों को कतरे पिलाने का मामला। जिला इंतजामिया का प्राइवेट क्लिनिक्स और अस्पतालों में पोलियो डेस्क बनाने का फैसला। डीसी लाहौर सालेहा सईद कहती हैं, जिला इंतजामिया सरकारी वैक्सीनेशन अस्पतालों को मुहैया करेगी। 25 से 28 मार्च तक पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। कोट लखपत जेल में आज बड़ी मुलाकात। बिलावल भुट्टो दोपहर 2:30 बजे जेल में नवाज शरीफ से मिलेंगे। कमरुज़्ज़मान कायरा, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, हसन मुर्तजा और जमील सोमरो भी हमरा जाएंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लियामानी पार्टी का इजलास। सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ की बीमारी पर इजहार तशवीश। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ से मिलूंगा। मुलाकात का कोई सियासी एजेंडा नहीं। नवाज शरीफ अलील हैं, इन्हें मुनासिब सहूलत मिलनी चाहिए। पंजाब हुकूमत की नवाज शरीफ को मुल्क के अंदर हर तरह के इलाज की पेशकश। इलाज के लिए हुकूमत तआवुन करेगी। हुकूमत पंजाब का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को खत मौसूल। जेल हुकाम ने खत नवाज शरीफ को आज जेल में मौसूल कराया। नवाज शरीफ ने खत के जवाब के लिए चंद रोज मांग लिए। नवाज शरीफ की सेहत का मामला वजीर आजम के अहकामात पर पंजाब हुकूमत हरकत में आ गई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल की कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम से दूसरी मुलाकात। पीआईसी के डॉक्टर प्रोफेसर नदीम मलिक और प्रोफेसर साकिब शफी ने साकिब वजीर आजम का चेकअप किया। डॉक्टरों की अद्वियात में तब्दीली की तजवीज। हुकूमत का हेल्थ यूनिट के बाद जेल में एक्सरसाइज साइकिल फ्राहम करने का भी फैसला। मांगे तांगे से घर नहीं चलता, मुल्क कैसे चलेगा। हुक्मरान सब्ज बाग न दिखाएं, कौम का दिल टूटता है। मौजूदा हुक्मरानों को भी हिसाब देना पड़ेगा। हुकूमत को कहा कि मुआशी एजेंडा लाए, वो चोर और डाकू कहने लगे। हमजा शहबाज की जामिया नईमिया आमद तकरीब से खिताब। मुखालफीन ने मेट्रो बस को सफेद हाथी कहा। अवाम माज दुआएं दे रही हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का खिताब। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत का मुलाजमीन को भी सेहत कार्ड जारी करने का असूली फैसला। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, वजीर आजम के अहकामात पर सेहत कार्ड का अमल जल्द मुकम्मल करेंगे। नया पाकिस्तान साफ बनाओ। वजीर आजम के दौरे लाहौर में अहकामात पर अमल दरामद शुरू। पंजाब हुकूमत का 18 मार्च से हफ्ता सफाई मनाने का ऐलान। वजीर आला उस्मान बुजदार सफाई मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। साबिक वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज भी नैब के शिकंजे में। लीगी एमपीए चौधरी शहबाज पर आमदन से ज्यादा दसासे बनाने का इल्जाम। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। डीसी लाहौर को खत, चौधरी शहबाज के नाम जायदादों का रिकॉर्ड मांग लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से वजीर दिफा परवेज खटक और नईमुल हक की मुलाकात। हुकूमती और सियासी अमूर और पाक भारत कशीदगी से मुतालिक गुफ्तगू। कौम फौज और हुकूमत के साथ है, भारत की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। भारतीय मसालिम पर आलमी इदारों की खामोशी परेशान कुन है। गवर्नर पंजाब की गुफ्तगू। गवर्नर चौधरी सरवर की बीवी पाक दामन आमद, मजार पर चादर चढ़ाई।
असातज़ा के लिए बड़ी खबर, अब तबादलों के लिए किसी सिफारिश और न दफातर के चक्कर लगाने की ज़रूरत। पंजाब हुकूमत का असातज़ा के तबादलों के लिए ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम मुतारिफ़ कराने का फैसला। करप्शन के खात्मे के लिए ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम का आगाज जल्द हो जाएगा। बच्चों की हाजिरी यकीनी बनाना असातज़ा की नहीं महकमों की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब का ट्वीट। ऐसा निज़ाम लाएंगे कि कोई बच्चा माली अदम तहफ़ के बायस तालीम से महरूम नहीं रहेगा। मुखैर हजरात हुकूमत पर एतमाद ना होने के बायस टैक्स नहीं देते। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का आवारी होटल में तकरीब से खिताब। वज़ीर इत्तला'आत बोले, सियासी जमातें एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय अवामी खिदमत में मुकाबला करें। मुल्क में तब्दीली के लिए तालीम के मैदान में तब्दीली लाना होगी। इख्तलाफ तरक्की की बुनियाद है। मुआशी तौर पर तरक्की ना कर सके, लड़ने के लिए भी गैर मुल्की जहाजों की जरूरत पड़ती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतज़ाज़ अहसन का तकरीब से खिताब। डीजी एक्साइज छुट्टी के दिन भी इन एक्शन। महकमे की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास। नाकिस कारकर्दगी पर 20 ETOs को शोकॉज नोटिस थमा दिए। अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए एक माह की मोहलत। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद असर की ढोरनवाल आमद। शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। अहले इलाका के मसाइल सुने, बोले पूरे मुल्क की तरह ढोरनवाल से भी गंदगी का सफाया करेंगे। लेस्को चीफ को हिदायत दी है बिजली के मसाइल हल करें। अवाम थोड़ा सा वक्त दें, UC95 को मॉडल बनाएंगे। बादामी बाग थाने की स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत की तामीर मुकम्मल। 4 मंजिला नई इमारत का इफ्तिताह आज होगा। 4 किनाल अराजी पर कायम। इमारत पर 3 करोड़ रुपए लागत आई। 24 कमरे और 2 हवालात हैं। बिल्डिंग का इफ्तिताह शहीद हेड कांस्टेबल सईद का बेटा करेगा। वैलेंशिया टाउन मैनेजमेंट कमेटी का इंतखाबी मार्का। ख्वाजा फुरकान ग्रुप ने जीत लिया। ख्वाजा फुरकान 816 वोट लेकर वैलेंशिया टाउन कमेटी के सदर मुंतखब। इतिहाद ग्रुप 388 और आसिम ग्रुप के 378 वोट। फातह ग्रुप का जीत पर जश्न। अंजुमन ताजरान लाहौर कारोबारी और समाजी रहनुमाओं के एहसास में जहराना। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन जाहिद मकसूद भट्ट समेत दीगर की शिरकत। मास्टर पेंट्स ब्लैक ने नेशनल ओपन पोलो कायदे आजम गोल्ड कप जीत लिया। मास्टर पेंट्स ग्रे को 10-6 से शिकस्त। शहरियों की बड़ी तादाद ने पोलो का फाइनल देखा। वफाकी वजीर शफकत महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। और अली इंस्टीट्यूट में दी लाहौर लाइसेंस स्कूल का रंगारंग स्पोर्ट्स गाला। तुलबा का मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले में भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में भी इंटरनेशनल प्री स्कूल करिकुलम का सालाना स्पोर्ट्स गाला।